लगता है तो थोड़ी तकलीफ होती है लोगों को एक्सेप्ट करने में। वायकॉम में वो हिम्मत थी, वो दूरदर्शिक थे जैसे अगर कोई है तो, और इसकी वजह से हमारी फिल्म को रिलीज़ मिली और बहुत ही बहुत खूब उन्होंने रिलीज़ किया और ऊपर वाले की दुआ से बड़ी हिट हो गई। लास्ट वन हाँ जी, नहीं मुझे लगता है कि उड़ता पंजाब के साथ जो हो रहा है, मुझे उन मेकर्स और जितने भी कलाकार हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति है, मुझे उनका दर्द समझ में आ रहा है और मुझे लगता है कि वो क्रिएटिविटी उन्हें देनी चाहिए। हम फिल्म बना रहे हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हकीकत क्या है जो हो रहा है, तो उसको कुतरना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग इसके यू नो जिम्मेदार हैं वो समझ जाएं और हमें वो क्रिएटिविटी दें। नहीं मुझे ये तो सैराट वाली जो सैराट फिल्म है, मैं बकायदा कुछ चार हफ्तों बाद मैं उसे थिएटर में देखने गया, ट्यूसडे दोपहर को 3 बजे और थिएटर फुल थी और मैंने बहुत सुनी थी उस फिल्म के बारे में, लेकिन जो कि मैं कोल्हापुर में पढ़ा लिखा हूँ मुझे पता है कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, कैसे धतिंग करते हैं और कैसे एक्चुअली यू नो लोगों के साथ होता है। एंड आई लव द फिल्म, मुझे लगा कि बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही सिंसेरिटी के साथ फिल्म बनाई गई थी। आई वांट टू कंग्रेचुलेट द मेकर, थैंक यू गाइस। Thank you.